अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। ओ, शिल्पा, शिल्पा जल्दी चल, जल्दी चल। वो क्या हो गया? छोड़ दो पहले, देखने का काम कर रही हूँ। वो काम कुम छोड़ दे भाई, काम कुम छोड़ दे। काम के चक्कर में जो इतना बड़ा कांड होने वाला है उसको मिस कर देगी क्या? क्या हो गया बताऊ? रजत बानी को कमरे के अंदर ले गया। इसका मतलब अब बैठ धड़ाम। और फिर ना हम पूछेंगे रजत बानी से कि भाई ऐसा क्या हो रहा था जो बेड टूट गया। चलो चलो चलो, ऐसा क्या हो रहा था जो बेड टूट गया? चलो। तुम्हें पता है तुम्हारे ये बलवंत अंकल को लेने कौन आया था? बानी, मैंने इस आदमी को कल भी देखा था वहां मार्केट में जहां तुम गिरी थी। कौन है ये आदमी? क्या इसी ने तुम्हें धक्का दिया था? और मुझे देखते ही भाग क्यों गए थे ये लोग? बलवंत अंकल के साथ वही आदमी था, क्या कनेक्शन है इन दोनों का? वाणी जवाब दो, चुप क्यों हो तुम? कोई बेड टूटने की आवाज ही नहीं आ रही, कोई धूमधड़ाम ही नहीं हो रहा। हाँ, और ये दोनों पतले पतले हैं ना। मतलब मैं मोटी हूँ? ओ नहीं नहीं यार, वो तो मेरी प्यारी सी पतली सी और एक सी पंखुड़ी है। ओ एक मिनट, वो दरअसल बलवंत अंकल डैडी जी के बहुत अच्छे दोस्त है, और जब चेरी वीर जी को कनाडा भेजना था ना, तो डैडी जी ने बलवंत अंकल से कर्जा लिया था, जो पैसे आज तक नहीं दे पाए हम उनको, धीरे धीरे करके देते, और कल भी उसी की किश्त लेने आए थे। तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? वो आदमी तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, और अभी हमारे घर में बैठ के नाश्ता डफ के गया है वो। बताया होता ना मुझे, अभी के अभी उसका सारा हिसाब कर देता मैं। और पानी, डैडी जी को ऐसे आदमी से पैसे लेने नहीं चाहिए थे यार। ये बलवंत जैसे लोग, ये लोगों की मदद कभी नहीं करते, ये लोग सिर्फ शिकार फंसाते हैं, लोगों को पैसे देके उनकी जिंदगी में दीमक बन के पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं उनकी। यार तुम ना प्लीज डैडी जी से बोल के ये मामला जल्दी से जल्दी रफा दफा कराओ, हमसे जो मदद होगी हम जरूर करेंगे। आपको टिप। ओए ओए, ओ देख, ओ देख। हाँ, ये कबूतर कहाँ से आ गया? है ना? चलो आ गया होगा। आप लोग बातें सुन रहे थे? ओ एमी, हम तेरी बातें क्यों सुनेंगे? रजत, मेरे को तो ट्रैक्टर ही सुनाई देता भाई, मेरे को अंदर से क्या आवाज आएगी और मैं क्यों सुनूंगा? और वैसे भी अगर तेरी बातें सुननी होती हम तुझे कमरा क्यों देते? ले लो यार आप कमरा, हमें नीचे। ओ नहीं नहीं भाई यार, ऐसे ना कर यार, देख रूल तो रूल होता है ना, रूल के हिसाब से तुम्हारा कमरा है तो भाई तुम दोनों ही कमरे में सोवो। और नहीं चाहिए भैया, ले लो ना आप लोग। मेरी गल तो सुन मम्मी जी, मैं क्या करती मुझे बताना पड़ा, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि हमने भी शेयर बाजार में ना उनसे पैसे मांग के दिए। मकरानी मेर करे, ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। मम्मी जी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है राजा जी ने ना गुस्से में अपना टिफिन भी नहीं लिया, मैं ऑफिस जाऊंगी ना जाते हुए रास्ते में पकड़ा दूंगी। ये रास्ता तो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है, मेरे को इसकी तह तक पहुँचना पड़ेगा। ओ बानी जी। भैया जरूरी बात करनी थी यार। बोलो। एक चक्कर पे गया, फंस गया हूँ, 20,000 रुपए की मेरे को अर्जेंट जरूरत है। वो मैंने अपना दूध के बूथ का लाइसेंस रिन्यू कराना था ना, उसके लिए पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो रहा। अब महीना था, 15 दिन निकल गए, 15 दिन बचे, देख ले यार हैं तो। भाई अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही शेयर में कोई प्रॉफिट होता है ना, मैं सबसे पहले आपको पैसे दूंगी। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कबूत बंद मेरा। कैसी बातें करो भैया, प्रॉफिट कैसे नहीं होगा? आप फिक्र ना करो, मैं कोई जुगाड़ कर लूंगी। देख लियो है प्लीज। जी भैया। थैंक यू यार। सारी मुसीबतें एक साथ आनी थी क्या सर पे? कुछ करो माता रानी, कुछ करो। मेरी एक बात नहीं समझती है बानी, मुझे लगता है मुझे डैडी जी से बात करनी पड़ेगी। अरे मुझे पता है यार, टिफिन भूल गया हूँ घर पे, मैं खा लूंगा कुछ ना कुछ, तुम परेशान मत करो यार। खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो रजत? क्या हुआ, परेशान क्यों? परेशान कैसे ना हो यार, पानी का कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। यू प्लीज रिलैक्स, काम डाउन फर्स्ट, ओके? और पानी का गुस्सा खाने पर मत निकालो। तुम एक काम करो ना, आज का लंच तुम मेरे साथ कर लो। अब प्लीज मना मत करना रजत,
कल भी तुमने कहा था कि मिलोगे पर नहीं आए. नहीं लावण्या, मुझे ना बहुत काम है ऑफिस में. हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ. वहीं कहीं आसपास किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे. प्लीज रजा, प्लीज. अच्छा ठीक है, फाइन. लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं है मेरे पास. मेरे लिए बहुत है रजत. सिया, बाय. ये पहन लेती हूँ. रजत ने इतने प्यार से जो दिया था मुझे, देखती हूँ उसे याद है भी कि नहीं. जी देखिए, एक वो वाला दिखाइएगा. हाँ जी. ये भी इतना खास नहीं लग रहा है. स्वाद है ना? सच्ची मम्मी के हाथ में ना जादू है. अब तो ये मेरे भी फेवरेट हो गए हैं. आज देवते पानी पड़े, रोमांटिक मूड में लग रहे यार, तो पलंग सब कट हो गएगा. धड़ाम. कुछ नहीं, बड़ी जोर से आवाज आई. भाई मेरी नींद खुल गई. कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं. तो भाई तुम दोनों ठीक ठाक तो हो? रब्बा. हाँ मेरे रब्बा, बेड टूट गया. हाय रामन. वो ऐसा क्या कर रहे थे जो बेड टूट गया? लगता है मेरे भाई ने पलंग तोड़ पान खाया है. क्या हो गया? इतना रोल लगे मचाया हुआ तुम लोगों ने. हाँ तो ठीक है, पुराना बेड था, टूट गया. परेशान क्यों कर रहे हो दोनों को? चलो चलो. कोई नहीं कोई नहीं. चलो. और रजत, कारपेंटर बुला लियो कल. है ठीक है, सो जाओ तुम लोग. अब ये पलंग टूट पान क्या होता है? ओ, होता है. मुझे क्या पता क्या होता है. पलंग टूट पान क्या होता है? अब बताता हूँ गौरव भैया को कि ये पलंग टूट पान किसने खाया है. धीरे धीरे तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होगा और उसका एहसास भी. करता था मैं उससे प्यार. वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा रिश्ता था जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया. पता नहीं रजत जी अपने दिल से लावण्या जी को निकाल भी पाए या नहीं. ओ खुल के हंसो. बेबे वेरी गुड. अरे वाह बेबे ने तो कमाल कर दिया भैया. बेबे
बढ़िया किया आपने, पर जान निकाल लेते हो तुम मेरी। ओ नहीं नहीं, करना चाहिए ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बंदा और खुशगवार हो जाता है। हाँ बोल, अब क्या नया बहाना मारना है? शाम को 7 बजे ना सेक्टर 18 की मार्केट में आ जाना, आपको आपकी किस्त मिल जाएगी। आज तो इसकी असलियत पता करके ही रहोगे। ये टेढ़ा लग रहा है थोड़ा। अरे टेढ़ा ही है सर जी, मतलब आप चिंता ना करो, मैं कर दूंगा सीधा जी। तू तो चाय तो पी ले। मैं पहले लेट हो रहा हूँ यार, बहुत काम है। मेरे को पिला दो जी। ओ तू भी पीता? पिलाओगे तो पी लूंगा जी। बेबे बिहेव, वो चाय की बात कर रहा है। तो मैं भी चाय की कर रही हूँ। सर जी बड़े फिट लग रहे हो आप। रोज सुबह लाफ्टर क्लब जाता हूँ, रेजिडेंट लाफ्टर क्लब EX। जिम शिम नहीं जाते जी? जिम की जरूरत नहीं है, योगा से ही होगा। डॉल है। बड़ा था मैं जी योगा में, तो आपने इस उम्र में भी पलंग तोड़ दिया। हाँ ओए क्या बकवास कर रहा है, ये पलंग मेरे कमरे का नहीं है। तो किसने तोड़ा जी फिर? वो मेरे बेटे के पलंग का कमरा है, कमरे का पलंग है। मेरा दिमाग देख, कैसे सारी चीजों से तेरे को बाहर निकाल के ले आया। इल्जाम आ गया इनके सिर पे। और ये जो लकड़ियां पड़ी है जो, इनका क्या करना है जी? पालना बना दे। ओ बेबे पालना किसके लिए? ओ मैं बैठ के झूलूंगी। ओ बेबे तेरी उम्र है पालने में झूलने की? अब बेवकूफ चुप कर, पालना किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है ना, तेरे तो हो गए दो दो, अब दूसरे की बारी है। ओहो ये उनके जिन्होंने पलंग तोड़ा है। ओ पता है मुझे, तुझे क्या लगता है मेरा साबुन से लो है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.